लोग जा रहे हैं पेड़ के पास, उधर छांव में बैठे रहेंगे। बहुत ही तगड़ा धूप है दोस्तों, फिर भी काम करने के लिए गए हैं। तो परवल तोड़ने में मजा भी आ रहा है दोस्तों, सजा भी मिल रहा है, काफी मच्छर काट रहा है दोस्तों। ना गर्मी हो रहा है इधर, बहुत ज्यादा हो रहा है गर्मी दोस्तों। और हम लोग खाना वाना बना चुके हैं दोस्तों, और अभी दोस्तों परवल के चक्कर में दोस्तों मेरा चप्पल टूट गया, कड़क कड़क दिखते वो, किस तरह से रस्सी से बांधे हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, हमारी भगत दुर्गा ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत है। और दोस्तों अभी बज रहा है सुबह के 7 बज रहा है दोस्तों, और दोस्तों मैं इधर आया था दोस्तों बगिया के पास में, और देख सकते हैं दोस्तों मेरे हाथ में मशरूम है दोस्तों, 2 मशरूम बड़ा बड़ा, जो क्या बोलते हैं पैरा दोस्तों, धान का जो पैरा होता है उसी में निकला हुआ था, देख सकते हैं पैरा, पैरा का मशरूम 2 है दोस्तों बड़ा बड़ा, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, खूबसूरत, और खाने में मज़ा आएगा दोस्तों। और मतलब मैं लगभग 8-9 साल हो गया ये वाला मशरूम नहीं खाया था, और 8-9 साल के बाद खाने के लिए मिलेगा दोस्तों, देख सकते हैं बहुत ही बड़ा बड़ा है। कभी जाते हैं दोस्तों घर तरफ। आज दोस्तों देख सकते हैं बादल छाए हुआ है, बहुत ही देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं, सूर्य जो दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है दोस्तों। और ये है दोस्तों स्कूल, देख सकते हैं बहुत ही बड़ा स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे का, बहुत ही बड़ा है दोस्तों। और आज का मौसम देख सकते हैं, अभी से थोड़ा थोड़ा कोहरा है और बादल भी छाया हुआ है। खुशमिदा के लिए बना रहा है दोस्तों पूरी रोटी, देख सकते हैं 3 इधर है 1 उधर, और सभी मशरूम को पकड़ा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और इसका तबीयत मतलब अभी से सही नहीं हुआ है, इसीलिए रोटी बना रहा है, देख सकते हैं, और रोटी को खाएगा दोस्तों, चावल को तो खाता नहीं है इसलिए रोटी बना रहा है दोस्तों। अभी बज रहा है सुबह का 9, और दोस्तों हम लोग खाना खा चुके हैं, और हमारे पति जी खाना खाकर काम करने के लिए चले गए हैं। आज दोस्तों बहुत ही तगड़ा धूप है दोस्तों, फिर भी काम करने के लिए गए हैं इतने धूप और गर्मी में। और हम लोग घर पे हैं, हम लोग भी खाना वाना खा चुके हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ कितना धूप है, देख सकते हैं दोस्तों कितना तगड़ा धूप कर रहा है, हम लोग तो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। और मैं और उस्मिता तो घर पे हैं, और बेबी सो रही है, और बच्चे लोग उधर छांव पे हैं, ईंट के छांव के पास। और इधर देख सकते हैं खाना वाना खा कर मांस धोकर रख दिए हैं, चूल्हे पे बनाते हैं ना इसलिए बर्तन काला हो गया है। सब्जी दिखाती हूँ, क्या सब्जी बनी थी आज, देख सकते हैं आलू बड़ी, और हम लोग चिंगरी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, हम लोग तो चिंगरी बोलते हैं। और नहीं दिखाई दे रहा है ज़्यादा, कम डाले हैं ना इसलिए। इधर उस्मिता यहाँ पर खड़ी है, देख सकते हैं हंस रही है, टमाटर को खेल रही है, हेलो बोलो, नहीं बोल रही है, उधर जा रही है, धूप में मत जाओ, इधर आओ। दोस्तों अभी बज रहा है 10:30, और हम लोग खाना वाना बना चुके हैं दोस्तों, और अभी पानी को निकाल रहे हैं चावल का, इधर ये रहा, ऐसे हम लोग पानी निकालते हैं दोस्तों। अभी हम लोग जाने वाले हैं नहाने के लिए, उस्मिता और मैं, आप लोगों को दिखाती हूँ, हम लोग तैयार कर चुके हैं कपड़ा वपड़ा। इधर उस्मिता बैठी है, और इधर बाल्टी वाल्टी पकड़ लिए हैं, इधर कपड़ा वपड़ा रख चुके हैं, हम लोग पहले नहा कर आएंगे उसके बाद वो लोग जाएंगे। दोपहर के 12 बज चुके हैं दोस्तों, अभी नहा के आए हैं जस्ट, फिर भी देख सकते हो कितना गर्मी है, धूप बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इधर देख सकते हो। और कोहिनूर गए थे सब्जी लाने के लिए, देख सकते हो साजन का पत्ता लेके लाए हैं, इसको बनाने के लिए बोला है। या बाहर आ चुकी है, हाय बोलो, हाय हाय बोलो। ईंटा को निकालने के लिए, लेकिन निकाल नहीं पाई हूँ, ईंट को कल निकालेंगे। और छोटा बेबी देख सकते हो किस तरह देख रहा है ये, तुम नहीं जाओगी नहाने के लिए, हाँ नहाने नहीं जाओगी, हंस रही है दोस्तों, खाना नहीं खा रहा है दोस्तों, इसलिए हम लोग को दिक्कत बहुत होता है, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा है, अब बेबी रो रहा है। तो दोस्तों देख सकते हो कितना गर्मी हो रहा है इधर, बहुत ज़्यादा हो रहा है गर्मी दोस्तों, इतना गर्मी हो रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना बहुत आ रहा है।
यहाँ गर्मी में बहुत दिक्कत होता है दोस्तों। तो हम लोग जा रहे हैं पेड़ के पास, उधर छांव में बैठे रहेंगे कि पापा के आने तक, का पापा आ जाएगा तब हम लोग घर आएंगे। दोस्तों मैं नहा वहा कर आ चुकी हूँ और अभी 12:30 हो रहा है दोस्तों। अभी अभी मैं नहा कर आई हूँ और यहाँ पर बैठी हूँ दोस्तों। अभी तो और भी ज़्यादा बहुत तगड़ा धूप कर रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं कितना धूप है, बहुत धूप है, बाहर तो निकल नहीं पा रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं कितना धूप है, इधर देख सकते हैं दोस्तों भट्टा, और रहा भट्टा, और हमारे पति जी इधर गए हैं काम करने के लिए, उधर दिखाई नहीं दे रहा है। इधर वो जो पेड़ दिख रहा है ना दोस्तों, उधर है दीदी लोग नहाने के लिए बेबी को लेकर गए हैं, और कुसुम कोहनूर भी उधर हैं, बच्चे लोग सभी लोग उधर हैं, और पड़ोसी लोग भी उधर ही बैठे हैं। वहाँ पर नल है और छांव भी है, इसलिए वहाँ पर बैठे हैं। ये हमारा घर है, और ये ना पल्ली जो ढका है वो वाला भूसी है, उस भट्टे में जब ईंट डालेंगे ना तो इस भूसी को देंगे। दोस्तों काम वाम करके हम लोग आ गए हैं दोस्तों, देख सकते हैं गन्ना के अंदर में है दोस्तों, और आज ज़्यादा काम नहीं था इसीलिए जल्दी छुट्टी हो गया दोस्तों। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब गन्ने के अंदर क्या कर रहा होगा बोल के दोस्तों, तो आप लोगों को दिखा रहे हैं दोस्तों, मेरा हाथ में देख सकते हैं ये है दोस्तों परवल, और इधर पीछे साइड में दोस्तों देख सकते हैं सभी तरफ मतलब गन्ना के अंदर में लगा हुआ है आप परवल, तो वही को तोड़ रहे हैं दोस्तों। और मेरे साथ में मिथुन भी आया हुआ है, आप लोग अभी दिखाते हैं। तो उधर देख सकते हैं लाल लाल दिख रहा है दोस्तों, अंदर में है, मिल रहा है क्या, मिल रहा है ना, तो आप लोग दिखाते हैं दोस्तों परवल। ये है दोस्तों परवल का पेड़, और इधर अंदर में लगा हुआ है, इधर देख सकते हैं दोस्तों ये परवल, इसको अभी तोड़ते हैं दोस्तों। परवल तोड़ने में मज़ा भी आ रहा है दोस्तों, और सजा भी मिल रहा है, काफ़ी मच्छर काट रहा है दोस्तों। और परवल मतलब ज़्यादा नहीं लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है दोस्तों। इधर देखते हैं परवल होगा तो इधर है दोस्तों, देख सकते हैं इधर लगा हुआ है, मतलब गन्ना के अंदर में तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है ब्लॉक बनाने में, तो देख सकते हैं इधर परवर, और इधर एक और फल लगा हुआ है, इसको भी तोड़ते हैं दोस्तों, देख सकते हैं दो इधर मिल गया दोस्तों। परवर के चक्कर में दोस्तों मेरा चप्पल टूट गया, आप लोगों को दिखा रहे हैं दोस्तों, तो देख सकते हैं मेरा चप्पल का क्या हालत हो गया है। और इसको मतलब रस्सी अभी ढूंढ के अभी बैठा हुआ दोस्तों बांधने के लिए, तो देख सकते हैं ये रस्सी में अभी बांधूँगा दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। और दोस्तों मार्केट परसों है हम लोगों का मार्केट, तो उस दिन चप्पल लाएंगे दोस्तों, तो अभी जुगाड़ उगाड़ करके इसको चलाएंगे दोस्तों तार वार बांध के, और यहाँ से 5 किलोमीटर है टाउन, तो इसीलिए मतलब अभी तो चप्पल लेने के लिए जा नहीं सकते क्योंकि काफ़ी दूर है 5 किलोमीटर है, तो अभी 2 दिन इसको चलाएंगे रस्सी से बांध के। तो अभी रस्सी इसको बांधते हैं दोस्तों, चप्पल को बना लिए हैं दोस्तों, देख सकते हैं किस तरह से रस्सी से बांधे हैं दोस्तों, और इधर देख सकते हैं तो इसको घर में जाके तार से बांधेंगे दोस्तों। अभी तो फिलहाल वहाँ तक जाने के लिए रस्सी यहाँ से ढूंढ कर देख सकते हैं इसमें बांधे हुए थे, उसके निकाल के इसमें बांधे हैं दोस्तों, तो अभी जाते हैं दोस्तों और आप लोगों को घर जाके दिखाएंगे कितना सारा हम लोग परवर तोड़े हैं। तो अभी जाते हैं दोस्तों, देख सकते हैं ये है दोस्तों कुंदरू यहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हैं और वहाँ पर कितना लगा हुआ है दोस्तों, आप लोग को सामने से दिखाते हैं, बहुत ही बड़ा बड़ा लगा हुआ है, इसको अभी तोड़ेंगे ना। और कड़वा थोड़ी लग रहा है, कड़वा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना सब्जी खाने का, तो अभी इसको तोड़ते हैं दोस्तों, बहुत सारा फल लगा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों कितना सारा कुंदरू दोस्तों, बहुत ही बड़ा बड़ा है दोस्तों, और ऊपर देख सकते हैं यही पेड़ में मतलब इतना सारा फल लगा हुआ था, और देख सकते हैं पूरा जंगल ही जंगल है दोस्तों, जंगल में लगा हुआ है कुंदरू, तो आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना, हम लोग कुंदरू बोलते हैं, देख लीजिए। और अभी अंदर तरफ और तोड़ते हैं दोस्तों, मिथुन अंदर गया है, अभी जाते हैं अंदर तरफ दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से लाइन फल लगा हुआ है, देख सकते हैं 1, 2, 3 फल लगा हुआ है दोस्तों, अभी इसको तोड़ते हैं, तोड़ने में काफ़ी मज़ा आता है दोस्तों सब्जी तोड़ने में, तो अभी इसको तोड़ते हैं दोस्तों। कुंदरू परवल तोड़ के अभी जा रहे हैं दोस्तों, और इधर देख सकते हैं मिथुन पकड़ा हुआ है, ये है दोस्तों कुंदरू, देख सकते हैं कितना सारा मिला दोस्तों, और परवल भी कितना पकड़ा हुआ है जेब में देख सकते हैं, और मच्छर कितना काटा, बहुत मच्छर था बहुत काटा, हमको तो पूरा ये हाथ पूरा ये लाल हो गया है देखो, और पैर पैर भी पूरा लाल सूज गया है, बड़ा बड़ा हो गया है देखो कितना बड़ा, देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही मतलब दिक्कत हुआ तोड़ने में, लेकिन मजा आया ना। हाँ मजा, खूब मजा आया, फिर आएंगे ना हम लोग तोड़ने के लिए, फिर आएंगे 1 हफ्ते में, हाँ 1 हफ्ते के बाद फिर आ जाएंगे। तो अभी जा रहे हैं दोस्तों,
दोस्तों भट्टे पर आ गए हूँ दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर चट्टा लगा हुआ है दोस्तों, इसको हम लोग लगाए हैं सभी लकड़ को धूप में और इधर निकासी कर रहे हैं दोस्तों। तो अभी जाते हैं घर तरफ। लेकिन यह तीन था कभी ना, तो देखना बड़े बड़े देखना परवर कैसे कम बड़े बड़े है। मैं तो दो था जिधर हूँ, तो मैं दवा के धर हूँ। दवा के धर हूँ मैं परवर ला, एक किलो में एक झंडा मच्छर मचा गए, एक किलो में एक के झंडा एक किलो परवर अच्छा निकल हेर दारू नहीं नहीं हेर हूँ अभी तो बांचे है मेरे आधा किलो हो गए वनचा का नहीं ना बेचे ले ये लब बीसा के आनबे के 150 रुपया ये परवल ली। हाँ तो अगर महंगा रखे ना ये बाजार ले बीसा के खाई सके भी करेगा पर रेट ज्यादा है ना। इसने बाजार में बेचा थे इसने वाला अभी ना कुंदरू कड़ा कड़ा दिख तू वो राजेश फोन लगा है इतनी देर कुंदरू तोरई ना ढाका ये देखो देख कड़ा कड़ा कुंदरू दो साग जहाड़ जहाड़ कुंदरू तीन साग बनो हो साग ला ये आलू आलू डालू आलू साग करू परवल ला निजी